नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानकी और आज हम आए हैं डॉक्टर विजय सिंह यशलाह जी के यहाँ। ये बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट हैं और ये कई सालों से चिकित्सा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने अभी तक कई बड़े ऑपरेशन भी किए हैं और ये कई जगहों पर निःशुल्क सेवा भी चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध कराते। तो हम जानते हैं सर से इनके करियर के बारे में और इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों से आप इस फील्ड में हैं तो आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए? मेरे को डॉक्टर बने करीब 58 साल हो गए। इंदौर से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। 10 साल इंग्लैंड में मैंने अपना कार्य किया। स्पेशलाइजेशन मेरा ऐसे गायनी स्पेशलाइज गायनी डिपार्टमेंट में है, तो सारा काम मैंने वहीं किया। इसके अलावा जब मैं इंदौर में था, इंग्लैंड जाने के पहले और स्पेशलाइजेशन करने के पहले, मैंने परिवहन जब में जो काम किया है, जब मास्क कैंप लगाता हमने चौहत्तर में, उस टाइम में इंदौर उज्जैन खंडवा में काफ़ी कार्य किया था। नई दुनिया में यहाँ तक छाता था कि उन्होंने कीर्तिमान कायम किया है। इसके अलावा मैंने सब प्रकार के काम किए हैं। आज भी रॉबर्ट नर्सिंग होम में 25 साल से रिटायरमेंट के बाद देख रहा हूँ, मैं निःशुल्क सर्विस देता हूँ। इसके अलावा मेरी ये तमन्ना रहती है किसी भी तरह से इस अस्पताल को ऊपर लाया जाए। इंदौर का ये अस्पताल 112 साल पुराना है। यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ आज भी इंदौर में सब जगह से सस्ता कार्य होता है और हम लोग वहाँ पर फीस भी नहीं लेते। जब आउटडोर में पेशेंट देखते हैं, सारा पैसा अस्पताल को जाते हैं। अगर पर्सनली कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके पैसे लेते नहीं, तो उनको ऐसे भी पेशेंट हैं, हम सब फ्री में कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ करने के बाद फिर 10 साल इंग्लैंड में रहा, फिर हर साल इंग्लैंड जाता रहा और वहाँ भी मैंने स्थितोपदेशक का काम किया है, टीचिंग हॉस्पिटल, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल सब जगह पर। अभी बीच में आपने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी इसी संदर्भ में, तो क्या कारण था, क्या बोला था आपने उस चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री से? मैं आपको बताऊं, विदेश जाने के पहले मैं टेटर्स वार्ड का इंचार्ज था इंदौर में। टेटर ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट करीब करीब तड़प तड़प के मरता है। मैंने उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि टेटनस टॉक्साइड अगर गर्भवती महिला को लगाया जाए तो बच्चे को माँ को टेटनस नहीं होगा। उस ज़माने में जो नियोनेटल टेटनस होता, बच्चा पैदा नहीं होने बाद अगर उसको टेटनस हो गया तो पूरी दुनिया में एक भी बच्चा नहीं बचता था। जब से टेटनस टॉक्साइड लगने लगा है, अब टेटनस होता ही नहीं है, पर अगर होगा भी तो इस इतना सूक्ष्म होता है कि पेशेंट जिंदा कर जाता। जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब मुझे मालूम नहीं है कि मेरे को जाने के बाद किसी और ने इंस्पेक्शन लिया, किंतु आज गांव की महिला भी प्रेग्नेंट आती है तो पूछती है कि साहब इंजेक्शन कब लगेगा, यानी इतनी जागृति पैदा हो गई है। इसी को देखते हुए जब मैं इंग्लैंड से आया, वहाँ पर पेप स्मेयर कंपलसरी सा है। अगर कोई पेशेंट अपनी जांच नहीं कराने जाती ग्रीवा कैंसर के लिए, तो नर्स घर से पकड़ के ले जाती है, उसके टेस्ट कराती है। इसके होने से ग्रीवा का कैंसर समय पर ही पकड़ में आ जाता है। अगर शुरुआत में पकड़ में आ गया तो बड़ा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, समय पर ही उसे क्रायोकॉटरी या इलेक्ट्रिक कॉटरी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर उसकी उम्र कम है, जैसे 25-30 साल की उसको बच्चे चाहिए तो उतना हिस्सा, अगर उसकी उम्र हो गई 45-50 के उसको बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चादानी निकाल देते हैं उसका फैलने के पहले। यहाँ जब फैल जाता है तो पेशेंट तड़प तड़प के मरता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसमें स्वयं परेशान होती है, सारा परिवार परेशान होता है, आर्थिक दृष्टि से समाज हर तरह से परेशान होती है। इस वजह से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हिंदुस्तान में पेशमेंट किया जाए। इस पेप स्मरण के लिए मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन को पर्सनली मिला था और उनके मिलने के बाद उनका पत्र में, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री को भी लिखा किया, उसके बाद डॉक्टर नड्डा का भी लेटर आया और उन्होंने इस पर जोर किया। अभी मैं फिर उसके
ठीक अभी जब सुपर स्पेशलिटी इंदौर में बन रहा था तब डॉक्टर नुड्डा साहब आए थे, तब भी मैंने इस समय ज्ञापन दिया था कि हर महिला की ये टेस्ट की जाए जिसमें खर्चा कुछ नहीं होता है और समय पर उसका इलाज हो जाता है। हम जब जांच करते हैं, मैं अभी तक 15-20 कैंप रॉबर्ट में फ्री लगा चुका हूँ और उसमें एक ही रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो घर जाए, अगर इन्फेक्शन आया तो ट्रीटमेंट लिख दिया तबीयत अच्छी हो जाती है, और कैंसर की शुरुआत है तो हम अभी से उसको नष्ट कर दें तो फैलने के पहले हिंदुस्तान में कैंसर के लक्षण बहुत कम दिखेंगे। तो मेरी ये इनसे प्रार्थना है कि हर महिला की टेस्ट की जाना चाहिए। इस टेस्ट में खर्चा कुछ होता नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज में, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में, हर मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ को तनख्वाह मिलती है, काम करते हैं, अगर वो स्लाइड बनाए और टेस्ट करें, ठीक उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो स्लाइड देख करके रिपोर्ट देगा कि रिपोर्ट में खराबी है या नहीं है। इसके लिए स्पेशली कोई डॉक्टर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए इनको स्पेशली किसी तरह खर्चा नहीं रहा इसलिए, किंतु ये अगर अभियान चालू किया जाए और जनता में एक जागृति पैदा हो जाए तो कैंसर देखने को नहीं मिलेगा या इतने कम मात्रा में मिलेगा कि लोग तड़प तड़प कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 132,000 औरतों को ग्रीवा का कैंसर होता है और एक और हर वर्ष 74,000 औरतें मर जाती है हिंदुस्तान में, हर 2 मिनट में एक डेथ होती है। मुझे दुख इस बात का कि लोग तड़प तड़प के मरते हैं, जैसे टेटन से तड़पते थे, कैंसर से तड़पते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में किसी को कैंसर होवे नहीं ग्रीवा का। ठीक उसी प्रकार मैं इसके पीछे भी लगाऊँ, हर औरत को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है, जिसके माँ को, बहन को, किसी को कैंसर हुआ तो चांसेस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होंगे। अभी भी मैंने कैंप लगाया था, उसमें बताया कि हर औरत सेल्फ एग्जामिनेशन अपने ब्रेस्ट का कर सकती है। घर पे आप मिरर लगा लीजिए, मैं नहाते समय वो अकेली रहती है, उसके सामने खड़ी हो जाए और देखें कि मेरी दोनों ब्रेस्ट में साइज में चेंज तो नहीं, शेप में चेंज नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, फिर निपल में देखें कोई पानी तो नहीं आ रहा है, उसके आसपास की जगह जो काले वहाँ कोई चेंजेस नहीं है, फिर ब्रेस्ट को देखने के लिए दोनों हाथ दबा के नहीं देखना चाहिए अंगूठा का, उसको देखने के फ्लैट हाथ रख करके ब्रेस्ट के गोल घुमाना चाहिए, ऊपर नीचे घुमा, अगर उसको कोई गठान कोई नई चीज़ महसूस होती है तो डॉक्टर को जाकर दिखाए और मेमोग्राफी करें और समय पे ही ब्रेस्ट कैंसर पकड़ में आ जाए। इस तरह से मेरा ख्याल है कि मैं हर औरत जो मेरे पास है सबको बताता हूँ अपने ब्रेस्ट कैसे देखना, और कुछ तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाओ, मेमोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराओ, समय पर ही उसका इलाज हो जाए तो तड़प तड़प कर और खर्चा कभी नहीं हो और जान बच जाए। आप रॉबर्ट नर्सिंग होम में निशुल्क सेवा दे रहे हैं, चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबों को देखता हूँ, जानता हूँ कितना खर्चा होता है। आज का हर तारापुरा अस्पताल में खूब पैसा लगता है और इस वजह से परेशान होते हैं। यह बेचारे कितने गरीब आते हैं तो उनको फ्री में सर्विस मिल जाती है, वहाँ से नॉमिनल चिट्ठी बनाई के पैसे लगते हैं, किंतु वो पैसा अस्पताल को जाता है। और इसके अलावा यहाँ जो डॉक्टर आते हैं, जो अस्पताल में आज मान लीजिए कॉर्पोरेट अस्पताल में 80,000 का खर्चा है तो उनका काम यहाँ 40,000 में बन जाता है। और दूसरा, इस अस्पताल को किसी गवर्नमेंट से एड नहीं लेते हैं और डोनेशन जो उसे इकट्ठा करके लाते हैं, और मेरी एक कोशिश से रहती है कि किसी तरह से डोनेशन हो, और अभी भी रॉबर्ट नगर में 1,00,000 रुपये का डोनेशन ला दिया। सेवा की भावना जो है, हर एक जगह सेवा की भावना से ही मैंने मैदान किया। मुझे कहा था जब मैं रिटायर हुआ गवर्नमेंट जॉब से तो आपको एमआई का सुप्रिंटेंडेंट बना देते हैं, मैंने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं खाऊँगा नहीं, खाने नहीं दूँगा तो मुझे कौन टिकने देगा। मैंने ये सोचा कि रॉबर्ट ऐसी इंस्टीट्यूशन है, 112 साल पुरानी है, इंदौर में इसकी बेस्ट रेपुटेशन है तो यहाँ ज्वाइन करना उचित है। इसके अलावा मैं पहले राजतंत्र में जाता था,
इसके लिए सोम का जाता चीटी टिकाओ, मेरा प्रिंसिपल है दे उसका भला ना दे उसका भला, पेट भर के रोटी मिलती है तो क्यों भय मानेगा। पता नहीं जिंदगी में कब ढेर हो जाए पैसा, सुबह ये धरा रह जाता है इसलिए। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे सब कुटुंब ने यही शिक्षा दी है कि इसको सताना है, ईमानदार से कमाओगे तो भी पेट भरेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।